बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। मैं आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल जॉब रोज़ाना में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जॉब के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, और मैं आप लोगों को इस वीडियो में एजुकेटर्स के हवाले से जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके मुतालिक मैं आप लोगों से इस वीडियो में तफसील से जो हैं वो बातें शेयर करूँगा, और आप लोगों को बताऊँगा कि एजुकेटर्स की कहाँ की जॉब्स हैं और आप लोग जो है वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोग एजुकेटर्स की जॉब के हवाले से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा। वीडियो को आप लोग बीच में से स्किप कर देते हैं, स्किप करने का नुकसान ये हो जाता है जो काम की अक्सर बातें होती हैं वो बातें आप लोगों से मिस हो जाती हैं, और आप लोग जो हैं फिर वो परेशान रहते हैं, पता नहीं अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है और अप्लाई करने का तरीका क्या होगा। इसीलिए वीडियो को स्किप ना किया करें। कुछ मिनट की वीडियो होती है और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसीलिए कोशिश किया करें कि वीडियो को एक बार तफसील से लाजमी देख लिया करें। तो वीडियो की जानिब आगे जाने से पहले मैं आप तमाम लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके साथ में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा डेली जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएंगी और जो भी जॉब के मुतालिक बातें आएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि जब भी कोई डेली अपडेट आए जॉब से मुतालिक या कोई और काम की बातें आए जो मैं समझूं कि आप लोगों के लिए बेहतर हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो अब चलते हैं जॉब से मुतालिक आगे बातें जानने के लिए, और जानते हैं कि आप लोगों ने जॉब पर अप्लाई कैसे करना है। जॉब पर अप्लाई करने के लिए आप लोग अपने किसी भी ब्राउज़र में चले जाएँगे और उस ब्राउज़र में जाकर आप लोगों ने टाइप करना है हमारी वेबसाइट का नाम जॉब रोज़ाना। जैसा कि मैं गूगल यूज़ कर रहा हूं तो मैं गूगल पर जाके मैंने लिखा जॉब रोज़ाना। जैसे ही गूगल पर जाकर मैंने जॉब रोज़ाना लिखा तो गूगल में सबसे ऊपर ही लिखा हुआ आ गया जॉब रोज़ाना। अगर आप लोग कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप जॉब रोज़ाना लिख के हमारी साइट को विजिट कर सकते हैं। स्पेलिंग चेक कर लें, JOBSROZANA। अगर आप लोगों को हमारी वेबसाइट नहीं मिल रही है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होता है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी डायरेक्टली आप हमारी साइट को विज़िट कर सकते हैं। जॉब रोज़ाना के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, ये नीचे लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग जॉब रोज़ाना के ऊपर क्लिक करेंगे गूगल पर लिखने के बाद या किसी ब्राउज़र में लिखने के बाद तो आपके सामने हमारी वेबसाइट जो है ये ओपन हो जाएगी, और इस वेबसाइट में आप लोग देखेंगे कि जो भी जॉब्स आएंगी उसका सारी मालूमात जो है वो इस वेबसाइट में दी गई है। ये जॉब रोज़ाना की साइट आपके सामने ओपन हुई तो गवर्नमेंट जॉब में सबसे ऊपर दिया गया है एजुकेटर टीचिंग जॉब्स अनाउंस फॉर मेल एंड फीमेल अप्लाई स्टार्ट नाउ। तो पहला टाइटल है ये देख लें एजुकेटर टीचिंग जॉब के हवाले से। बाकी नीचे भी बहुत सारी जॉब्स हैं, APSC स्कूल में भी जॉब्स आई हुई हैं ये भी चेक कर लीजिएगा, नादरा में भी जॉब्स हैं ये भी देख लेना, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी बहुत सारी जॉब्स हैं ये भी आप लोगों ने एक बार चेक कर लेना है। एजुकेटर टीचिंग जॉब के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने पहले टाइटल के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग एजुकेटर के टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जॉब रोज़ाना की साइट में इस जॉब के हवाले से जो भी एक तफसीली मालूमात होगी ये सारी की सारी मालूमात जो हैं ये आपके सामने आ गई हैं, और ये इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, आप लोग इस इंट्रोडक्शन को एक बार पढ़ लिया करें लाजमी तौर पर। ये इंट्रोडक्शन आपके लिए जो है ये बहुत मुफीद होता है जब आप लोग इंटरव्यू वगैरह के लिए अपेयर होते हैं। अब देखें जी जॉब्स कौन कौन सी हैं, जूनियर सब्जेक्ट टीचर्स की भी जॉब्स हैं, उसके बाद एसेंशियल एजुकेटर की जॉब्स हैं, प्री टीचर्स मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हैं, PTI की जॉब भी हैं, वर्कमैनशिप की भी जॉब्स हैं, इंस्ट्रक्टर की भी हैं, और उसके अलावा जो जॉब्स हैं बुक्स कीपर की भी जॉब्स हैं, और उसके बाद जो है इसका जो मंडे दो को जो होगा इसका जो होगा वो टेस्ट होगा 2 अप्रैल को, इंटरव्यू होगा, अप्लाई करने के जो लास्ट डेट है वो है 17 मार्च। अब जॉब पोस्ट कब की गई थी, 2 तारीख को पोस्ट की गई थी, और मैं आज आप लोगों से ये मालूमात जो है वो शेयर कर रहा हूँ। जंग न्यूज़पेपर में जो है इसका वो ऐलान किया गया था। मेल और फीमेल जो है दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब्स के टाइटल यहाँ पर मैंने अलग से दे दिए हैं, कोऑर्डिनेटर की जॉब्स हैं, जूनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब्स हैं, प्राइमरी टीचर की जॉब्स हैं, प्री स्कूल टीचर्स की जॉब्स हैं, और PTI की जॉब्स हैं, और आर्ट्स टीचर की जॉब्स हैं। उसके अलावा जो नॉन टीचिंग शोभा है मतलब अगर आप लोगों की तालीम जो है वो टीचर्स के हवाले से नहीं है तो आप लोग जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अकाउंटेंट की जॉब्स जो हैं वो भी दी गई हैं। और इसके अलावा भी चंद एक जॉब्स हैं वो नीचे इश्तहार में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। अप्लाई करने का तरीका जी बहुत ही आसान सा है। अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट आपकी तालीम है और आप लोग टीचिंग के शोबे को अपने आने वाले वक्तों के लिए यूज़ करना चाहते हैं मतलब फ़ायदा लेना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन होता है,
आजकल, पहले तो लेडीज़ के लिए, फ़ीमेल के लिए अच्छा समझा जाता था, लेकिन आजकल जो मेल हज़रात हैं वो भी इसको प्रेफर करते हैं। तो आप लोग जो हैं वो लाजमी अप्लाई करें कीजिएगा इसके लिए। और अगर आप लोग डेली इस तरह की मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग डेली मेरी साइट को जॉब रोज़ाना गूगल पे लिख के सर्च कर सकते हैं और इस तरह की मालूमात जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जी देखेंगे जॉब का एक मुकम्मल इश्तहार है। अक्सर लोग समझते हैं कि फ़ेक हैं, फ़ेक बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर तालीम भी दी गई है एमए एमएससी वाला, और उसके बाद ये सारी की सारी हैं इंग्लिश टीचर की भी जॉब्स हैं, बायो की भी हैं, फिज़िक्स की भी हैं, केमिस्ट्री की टीचर की भी हैं, मैथ, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी स्टेट वगैरह हर टीचर की जॉब्स हैं। प्राइमरी टीचर की हैं, प्री स्कूल टीचर की हैं, पीटीआई टीचर्स हैं, प्राइमरी टीचर वगैरह जो होता है इसका, आर्ट्स टीचर की भी हैं और अकाउंटेंट की भी हैं। आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी करवानी है। डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी करवाने के बाद आपने कोई चालान फ़ीस वगैरह पे नहीं करनी। नीचे एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस के ऊपर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर देना है, भेज देना है। उसके बाद आईडी कार्ड की कॉपी लाजमी लगाइएगा, इनको अटेस्ट करवाना है, अपनी पासपोर्ट साइज की दो पिक्चर्स लगानी है, और नीचे जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है तफसीली एड्रेस, इसको यहाँ पर आपने सेंड कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, जॉब्स को ढूंढते हैं, जॉब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता, और सिर्फ हमें ये हौसला हो जाता है और हम लोग आपके लिए और आगे आने वाले वक्तों के लिए अच्छी से अच्छी जॉब जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की भी कोशिश करते हैं। तो वीडियो को आगे लाजमी भी शेयर भी कर दें, ताकि आपके साथ साथ कुछ चंद लोगों का फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी जॉब के साथ। जब तक के लिए आप सब लोगों ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।